अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है दोस्तों कयूमाबाद का इंटरचेंज जाम सादिक ब्रिज, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इंटरचेंज है। ठीक है, ब्रिज बन रहा है उधर, वो बाद में बनाएंगे हम वीडियो। यहाँ से लेकर शाह फैसल तक जो टोल प्लाज़ा है जो बन रहा है, वहाँ तक का सफ़र है हमारा। और मैं आपको एक और बात बता दूँ कि गाड़ियाँ जो है ना 120 की स्पीड से चलेंगी। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं अपनी मोटरसाइकिल 120 पे नहीं चला सकता, क्योंकि ये आपको पता है ये कौन सी मोटरसाइकिल है। ये कोई हैवी मोटरसाइकिल है नहीं जो कि मैं आपको 100 की स्पीड से चला के दिखाऊं और इसका टाइम बताऊं कि कितने टाइम तक पहुँचाऊँ। हाँ, ये कर सकता हूँ कि अगर मैं 60 की स्पीड से जा रहा हूँ ना, तो वीडियो को जो है ना मैं ऐसा कर दूंगा कि वो 120 की स्पीड से जो है ना चलेगी। ऐसा लगेगा जैसे 120 की स्पीड से, डबल स्पीड कर दूंगा उसकी, 60 से डबल करूंगा तो 120 की स्पीड से चलेगी। यानी कि फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 120 की स्पीड से जब मोटरसाइकिल चलेगी तो कितनी देर तक पहुंचेगी, क्योंकि मैं 80 पे भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये मोटरसाइकिल ऐसी है नहीं है ना कि 80 पे चलाऊँ या 90 पे चलाऊँ, तो जिसकी वजह से ये डोल जाएगी, गिर जाएगी, कुछ मसला ना हो जाए। इस वजह से मैं इसको हल्के स्पीड से चलाऊँगा, 60 से, 60 को मैं करूँगा डबल। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेना। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और रास्ते में आपको जो है ना जो जो काम नज़र आता जाएगा वो देखते रहना, मोटरसाइकिल हो सकता है मैं स्लो भी करूँ रास्ते में ना। चले दोस्तों, करते हैं सफ़र का आगाज़ कयूमाबाद से शाह फैसल इंटरचेंज तक, फिर उससे आगे जो है ना जो ट्रैक होगा कायदाबाद तक का, वहाँ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह फैसल का आ गया है टोल प्लाजा,
सही है, यहाँ पे मैं वीडियो रोक दूंगा, उसके बाद आगे की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से वीडियो रोकने का मतलब ये कि मुझे टाइमिंग का अंदाजा हो जाएगा कि जैसे मैं कितनी देर से जो है ना वो वहाँ से चला हूँ कयूमाबाद से, मेरे ख्याल से 4, 4.5 मिनट हो गए, साढ़े चार पाँच मिनट हो गए, यानी कि 5 मिनट में मैं यहाँ पर पहुँचाऊँ, ठीक है, कोरंगी कयूमाबाद से ये शाह फैसल के टोल प्लाजा तक। तो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आगे का जो ट्रैक होगा वो कितनी देर तक पहुंचेंगे, उसका अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो बिल्कुल नो टेंशन, विदाउट मेंशन, ये है टोल प्लाजा और यहाँ पे मैंने कर दिया है वीडियो का थोड़ा सा एंड, यानी कि यहीं से रोक के बाद में चलाऊंगा आगे। अच्छा जी, वो स्पीड थोड़ी सी जो ना, तो ये है टोल प्लाजा और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो है ना काम हो रहा है, हो गया है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रैक हैं। ये जो गेट है, हैं वापसी आगे नहीं, आगे 5 मिनट का है, तो ये उतार रहे हैं जो ये लग रहे हैं ना आपको, इस जो छत है, छत के बाद जो ये समझ लो पिलर हैं, है तो लोहे के गार्डर हैं लेकिन ये पिलर ही समझो, तो ये छत जो लग रही है उसके पिलर है ये, तो ये कहीं लगेगा मेरे ख्याल से, सारी जगह तो लग गए लेकिन ये और भी उतर रहे हैं, ये कहाँ लगेगा। तो और आगे की तरफ चलते हैं, बल्कि चलते हैं शाह फैसल तक, शाह फैसल चलें, 5 मिनट का है, फिर वहां से डायरेक्ट घर। अच्छा लोग जो है ना, मेरे हिसाब से यहां से आगे चला जाए, हाँ 5 मिनट का रास्ता है, अवश्य अलर्ट होके बाइक चलानी पड़ेगी, हाँ कायदाबाद थोड़ी तेज चलानी है ना, क्योंकि स्लो चलाएंगे तो वो तो वैसे ही लूट लेते हैं, थोड़ी तेज चलानी है और साथ साथ ही रहना है, वो साहब जो खड़े हुए उनको भी लूटा है। ये सामने का है वो रहा शाह फैसल, आगे कायदाबाद है, 5 मिनट का है, यहाँ पे चौकी होनी चाहिए एक, यहाँ पे जो है ना चौकी बना देनी चाहिए एक, उस वाली जगह पे चौकी बना देनी चाहिए। अब हम चलेंगे आगे की तरफ, ये शाह फैसल इंटरचेंज तक चलेंगे, उसके बाद आगे कायदाबाद तक चलेंगे बस, फिर वीडियो करेंगे एंड। तो ये मेरा दोबारा ट्रैक शुरू हो चुका है, ये आ गया शाह फैसल का इंटरचेंज,
यहाँ पे भी रोड कारपेटिंग का अमल जो है ना हुआ था, लेकिन मुझे फ़ोन किया था इन्होंने तो मैं पहुँच नहीं सका था। ये भी रोड कारपेटिंग होगी इधर ना, जिस जगह पे ये गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे रोड कारपेटिंग होगी। ये देखें, ये थोड़ी सी हुई है, ये हुई है, इसके बाद वो उस वाले ट्रैक पे होगी, ऊंचा होगा ट्रैक। अब ये पता नहीं कहाँ रहेगा यार, ये रोड की कटिंग कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जो ऊपर एक्स्ट्रा हो गई है मेरे ख्याल से वो शायद ना। ये है वो बगले, ये बगले हैं जहाँ पे हम लोग शिकार कर सकते हैं, इनको खा सकते हैं पका के, बहुत सारे हैं ये। अच्छा, यहाँ शिकार हो सकता है? हाँ हो सकता है, मछलियाँ भी होंगी। तो गंदा पानी है, गंदा पानी है, गंदे पानी की मछली होगी, खाते होंगे लोग। चल यहाँ से निकलते आगे।
ये शाह फैसल का है, शाह फैसल का है, शाह फैसल पे। और अब आगे कहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग? आगे 5 मिनट का कायदाबाद तक, उसके बाद वापसी है। कायदाबाद चले जी, मेरा ट्रैक वहीं से शुरू हुआ है। आ गया दोस्तों कायदाबाद। अब कितनी देर में पहुंचो, कितनी देर में यहां तक मैं आया हूं कयूमाबाद से लेकर, क्योंकि कुछ जगह पे मैं रुका भी हूं, ट्रैक आपको दिखाए भी हैं कुछ, और आपको थोड़ा सा शाह फैसल का जो टोल प्लाजा है वहां भी दिखाया आपको। खूबसूरत सा ट्रेन का मंजर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह डब्बे। कायदाबाद इंटरचेंज जो मलीर एक्सप्रेसवे का है उसके पास जो ब्रिज बना हुआ है वहां से ट्रेन गुजर रही है। ट्रेन गुजरने का खूबसूरत सा मंजर वो देखें, वो जा रही है। ये है वो ब्रिज,
कैदाबाद का बहुत खतरनाक किस्म के पिलर लगे हुए हैं, इतना खतरनाक पिलर, यकीन करें कैसे बनेगा यार ये इंटरचेंज। चारों तरफ से पिलर खड़े हो चुके हैं और पिलरों का जो है ना कब्रिस्तान लग रहा है ये पिलरों का कब्रिस्तान लग रहा है ये। अभी यहाँ भी लगेंगे, देखें यहाँ पर भी पिलर लगेंगे। लो यार देखो कितना मोटा डाल रहे हो, ओए होए, मेरे ख्याल से डेढ़ इंच से, डेढ़ इंच का लोया है। ये तो बहुत गहरा है, हैं? बहुत गहरा है। हाँ तो ये वो होगा ना, पिलर है ना, इतना खतरनाक पिलर, इतना खतरनाक पिलर बन रहा है यार। कितना होगा नीचे, 100 फुट होगा? तुम भी देख लो, कम से कम 100 फुट का है। 100 फुट से जब अंदर, ये लाजिब बात है, इतना मजबूत बनेगा। और ये आगे कैदाबाद का इंटरचेंज है, ट्रेन अभी गुजरी है और ये इंटरचेंज का जो ब्रिज है ना उसके जो पिलर है। ट्रेन बना ली ना, पिलर ट्रेन मैंने फड़का दी भाई, ट्रेन तो इन्होंने वो रही और रुक गई। अब क्या बैठ के इसमें चले जाएंगे हम? अबे ये रुकी क्यों है? अबे कोई आ रही होगी है ना, रास्ता दे रही होगी किसी को शायद, ये किसी को, हाँ रास्ता देगी, रुकते अभी। कितने पिलर है भाई ये? यहाँ पे गिनती में नहीं आ रहे, मैंने तो ये बोल दिया कि पिलरों का कब्रिस्तान मैंने पिलरों का कब्रिस्तान बोल दिया है।